हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सरकार आपको बाहर निकलने मना करता है, स्टे होम स्टे सेफ, तो घर पे रह के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए आपके लिए आज मैं फिजिक्स के चैप्टर वन क्लासेस लेके आया हूँ। चैप्टर वन हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। इस वीडियो पे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कूलम्स लॉ, राइट? कूलम्स लॉ फ्रॉम द बिगनिंग हम यही बोलते हैं कि इस चैप्टर में हम सिर्फ डील करेंगे विद द चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट ओनली। हम उन चार्जेस पर बात करेंगे जो सिर्फ रेस्ट में होते हैं, हमारे यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। तो कमिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जो होता है ये गिवन बाय ए फ्रेंच फिजिक्स नेम चार्ल्स दे ऑगस्टिन कूलम, राइट? ये उनका नाम था चार्ल्स दे ऑगस्टिन कूलम इन द ईयर 1785। मैं आपको इसका पूरा नोट दूंगा ग्रुप में ही। तो मैं बोल रहा था कि कूलम्स लॉ वाज गिवन बाय वाज पब्लिश बाय फ्रेंच फिजिक्स चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम इन द ईयर 1785। तो इसमें क्या है ना, कूलम्स कहते हैं कि अगर दो चार्ज है, दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सप्रेस हो रहा होगा ना। अगर दो लाइट चार्जेस है तो उनके बीच एक रिपल्सन फोर्स एक्सप्रेस हो रहा होगा। अगर दो ऑनलाइन चार्जेस है तो उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। तो जो फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो फोर्स कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दिस वाज गिवन बाय आवर चार्ल्स कूलम, राइट? इट इज वेरी सिमिलर टू द न्यूटन लॉ। अगर न्यूटन फोर्स जो होता है जो दो मासेस के बीच होते हैं, वैसे ही कूलम्स ने भी ये लॉ बताया था कि कितना फोर्स एक्सप्रेस होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच जब दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, राइट? अगर सेम चार्ज पार्टिकल है, अगर लाइट चार्जेस है तो उनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर दो अनलाइट चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट? तो कितना फोर्स है, कैसा फोर्स है, चलो हम अभी देखते हैं डेरिवेशन पे, राइट? सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द पॉइंट, इट इज कूलम्स लॉ, राइट? इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय ए फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम। ये इतना बड़ा उनका नाम है। यू हैज फर्स्ट पब्लिश द कूलम्स लॉ इन द ईयर 1785। इन द ईयर 1785 कूलम्स ने ये लॉ दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है ना, ये लॉ कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच कितना चार्ज एक्सप्रेस, कितना फोर्स एक्सप्रेस होता है, हम वही अभी डेरिवेशन में निकालने वाले हैं, राइट? सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है? दिस इज अ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे हमारे दो चार्ज पार्टिकल ही हैं, एंड द मेन थिंग हियर इज ये दो चार्ज पार्टिकल हमेशा रेस्ट में ही रहेंगे, बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी आर डीलिंग अबाउट द चार्ज हुई चार्ज ऑल इन रेस्ट, राइट? तो इसका नाम मैं दे दिया Q1, इसका नाम मैं दे दिया Q2, ओके? इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, आर, राइट? ओके, तो अभी अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, तो हमें पता है कि अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट इच अदर। तो ये दोनों अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स, राइट? अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, हम पढ़े थे लाइक चार्ज रेपेल्स इच अदर, मतलब अब ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अब क्या करेंगे, रेपेल करेंगे विथ ए फोर्स। उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हिच आर इन रेस्ट, राइट? तो चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, पर वो फोर्स कैसा होना चाहिए हमें कूलम्स बताते हैं, राइट? अब वो कहते हैं कि फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। जो फोर्स जो होगा दैट विल प्रोपोर्शनल, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, राइट? एंड ऑल्सो वो भी और एक बात बोलते हैं कूलम्स कि जो फोर्स होगा दैट विल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस है वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ उससे नहीं टू द स्क्वायर, राइट? कूलम बोलते हैं कि जो फोर्स है दैट फोर्स विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके? तो बेसिकली ये पहला पॉइंट और ये हमारा सेकेंड पॉइंट, राइट?
तो अब इन दोनों पॉइंट अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम एक इक्वेशन निकाल पाएंगे यहाँ से, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग निकाल पाएंगे राइट। अब ये प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट इन दिस इक्वेशन। सो नाउ इफ अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू देता हूँ तो इसको उठाने के लिए एक कॉन्स्टेंट को यहाँ पे इंटू किया, क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, अब ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल व्हिच आर एट रेस्ट, राइट, चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो, राइट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि के क्या है, राइट, ये के एक नया चीज़ है हमारे इस टॉपिक पे। तो के को हम लोग बोल सकते हैं, के होता है हमारा प्रोपोर्शनालिटी कॉन्स्टेंट। क्या ये, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। बेसिकली हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि अगर प्रोपोर्शन उठाने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट हम लोग इंटू करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। पर यहाँ पे और एक चीज़ भी है, इस के को हम लोग और एक चीज़ से नाम से बुला सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कूलम्ब कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट, इसे हम बोलते हैं कूलम्ब्स कॉन्स्टेंट। और के का एक वैल्यू भी है राइट। के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे के का वैल्यू होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, इसे हम इप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं राइट। ये के का वैल्यू है, के की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका भी मैथमेटिकल एक वैल्यू है बिकॉज के इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये 1 भी कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है। और ये जो नया टर्म आया है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय सी। ये के का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू मैथमेटिकल इतना ही राइट। ऑब्वियसली ये के क्या कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू एक कॉन्स्टेंट ही आएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, राइट, व्हाट इज दिस इप्सिलॉन नॉट, राइट। ये एक नया चीज़ है तुम्हारे प्लस टू सेकेंड ईयर में राइट। इन सीबीएसई 12th वी आर फर्स्ट टाइम सीइंग दिस वर्ड इप्सिलॉन नॉट, राइट। इप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस राइट। अब पहला क्वेश्चन पूछोगे सर के तो समझ में आता है कि के क्या है, के है प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट या फिर कूलम कॉन्स्टेंट राइट। और ये कॉन्स्टेंट है तो उसका वैल्यू हमेशा इतना ही आएगा 9 × 10⁹, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फिगर है राइट। पर यहाँ पे एक इप्सिलॉन नॉट एक टर्म भी आया है, ठीक है, ये क्या चीज़ है जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस राइट। तो परमिटिविटी राइट, परमिटिविटी अब नया टर्म आया है परमिटिविटी राइट। प्लस टू सेकेंड ईयर सीबीएसई में फर्स्ट टाइम तुम सुनते हो व्हाट इज परमिटिविटी, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट सेज परमिटिविटी मींस परमिट राइट। ये परमिट कर रहा है, ये एलो कर रहा है कि कितना, ये एलो कर क्या एलो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर पास करने के लिए एलो कर राइट। परमिटिविटी जस्ट ए नंबर व्हिच अलाउज टू डिस्क्राइब हाउ इजीली द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एयर वाटर और एनी मीडिया राइट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर लाइंस ऑफ फोर्स, ये एयर में पास हो सकता है, वाटर में पास हो सकता है, ग्लास में हो सकता है, जिसे हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबका अलग अलग होता है ना राइट। ग्लास का अलग होता है, एयर का अलग होता है, वैसे परमिटिव मीन्स द इट्स मतलब ये एलो करता है अपने अंदर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने के लिए। तो हर सब्सटेंस हर मीडियम का परमिटिविटी अलग होता है, हर कोई एक ही तरह का एलो नहीं करता। एयर एयर नो डाउट इट्स डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, पर ये कुछ हद तक एलो करता है, ग्लास भी कुछ हद तक एलो करता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स को, वाटर भी, तो सबका अलग अलग होता है। तो परमिटिविटी मीन्स इज जस्ट ए नंबर जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मीडियम में कितना अच्छा पास हो पाएगा, वो सरफेस या फिर वो मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे परमिट करता है, इट्स जस्ट ए नंबर राइट। तो बेसिकली मैंने जैसे कहा इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस इज ए नंबर
which allow us to describe how easily it is for the electric lines of force to pass through a air, water or any other medium. मतलब permittivity में ये नाम से दिख रहा है ना, permittivity, permit मतलब कोई भी medium किस तरह परमिट करता है, कितना परमिट करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आने देता है, इसे कहते हैं परमिटिविटी. अब हर मीडियम का परमिटिविटी अलग होती है. एयर की डेफिनेटली अलग होती है. एयर के अंदर जितने अच्छे से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा पाएगा, पास कर पाएगा, वैसे हर जगह तो पास नहीं कर पाएगा ना. वाटर की अलग होती है, ग्लासेस की अलग होती है, राइट. डिफरेंट मीडिया है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. परमिटिविटी हम कूलम्स लॉ में कूलम्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, राइट, ताकि ये हमें दर्शाता है कि अगर हमारा मीडियम एयर में है तो उस एयर मीडियम में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना इजीली पास कर पाता है, राइट. ये तो हो गया. तो अभी नाउ अभी अगर मैं बोलूँगा, हमें लिखना पड़ेगा क्या फाइनली, हम अगर कूलम लॉ लिखते हैं तो बेसिकली फाइनली कूलम्स लॉ अब कैसे दिखेगा. एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट. ये हमारा फाइनली कूलम्स लॉ है, राइट. पहले हम क्या लिखते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. अब हम क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ, K की जगह पे कितना लिखे, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है. देखो एफ इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. अब ये भी सही है क्योंकि हमें पता है कि 1/4 pi इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये होता है. और यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ. देखो इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. सो बेसिकली वी हैव डिराइव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना निकला लास्ट फाइनल. हम डिराइव कितना किए, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे बेसिकली हमें ये जानना है कि हमने जैसे लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, K का वैल्यू कितना लिया यहाँ पे, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 pi इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट. K की जगह पे मैंने पास उसका वैल्यू डाल दिया, राइट. ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू. यहाँ पे बस हमें दो चीज़ याद रखना है. अगर मैं लिखूँ एफ ई इज इक्वल टू 9×10⁻¹Q1×Q2 / r² तब भी ये इक्वेशन बिल्कुल गलत नहीं होगा. ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. अब हमें इस डेरिवेशन में से जो इक्वेशन निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका सिर्फ हमें ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू याद रखना है कि 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9×10⁻¹. न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे सोल्व करेंगे वहाँ पे हमें Q1 का वैल्यू दिया होगा, Q2 का वैल्यू दिया होगा, R का वैल्यू दिया गया होगा, सेपरेशन डिस्टेंस जो है बस हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, राइट. मैं आपको कूलम्स लॉ का डेफिनेशन इस चैप्टर के लास्ट में पक्का देने वाला हूँ, ठीक है. तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. तो इस कूलम्स लॉ का से हम यहाँ से कुछ केस निकाले हैं, कुछ केस डिराइव किए हैं. हम उस केस को अभी डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ अवर फर्स्ट केस, ठीक है. अब हमें पता है कि अगर अगर ये दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है आर. अगर ये चार्ज पार्टिकल के बीच इन दोनों के बीच मीडियम क्या है, व्हेन
द मीडियम इज एयर, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच मीडियम क्या है, एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, जो कि हम लोग यहाँ से डिराइव किए थे राइट, कितना है 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है राइट। अगर ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच अगर मीडियम मेरा एयर है तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये अब तक हम लोग डिस्क्राइब कर दिया था। नाउ अब एक इम्पोर्टेंट केस लेते हैं, क्या केस है, व्हेन द मीडियम, व्हेन द मीडियम इज ओदर देन एयर, द मीडियम इज ओदर देन एयर, इसका मतलब है अगर इन दोनों के बीच क्या नहीं है, एयर नहीं है राइट, अगर दोनों के बीच एयर नहीं है, कुछ अलग मीडियम है, मतलब इन दोनों के बीच अभी क्या है, ये दोनों के बीच अभी सोचो इन दोनों को हम लोग किसी वाटर में लिए हैं, तो ये मीडियम में इनके बीच अभी क्या है, एयर है नहीं, वाटर है। अगर ये दो चार्ज पार्ट, दो जो स्टैटिक चार्ज है, जो चार्ज जो रेस्ट में, ये लोग अगर हम ग्लास के अंदर लिए हैं, तो इन दोनों के बीच मीडियम क्या है, ग्लास है ना राइट। अगर हम अब यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अगर व्हेन द मीडियम इज ओदर देन एयर, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो मीडियम है वो एयर ना हुआ, एयर को छोड़ के अगर अलग कुछ हो गया, तो वहाँ पे तो फोर्स में तो चेंज तो आएगा ना, कुछ तो चेंज आएगा, तो क्या चेंज आएगा, अभी जो फोर्स होगा उसको हम डिनोट करेंगे बाय एफ एम, एम किस लिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ओदर मीडियम राइट, एफ एम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ओदर मीडिया राइट। अब एयर में हमें पता है एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, इप्सिलॉन नॉट राइट, इसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग निकाले थे ना 8.85 × 10^-12, हमें इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर राइट। ये पता है कि ये एयर की परमिटिविटी, मतलब एयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर पास करने देता है जिस इतनी हद तक ठीक है, पर अगर उसका हम मीडियम चेंज करते हैं, अगर हम लोग का मीडियम ही वाटर है या कुछ और है, तो उसकी परमिटिविटी अलग आएगी ना। अभी कोई हम लोग जैसे रिफ्रैक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, वुड का अलग होता है, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अब यहाँ पे परमिटिविटी सबकी अलग होती है, एयर की अलग होती है, अगर वाटर पे रखेंगे तो उसकी परमिटिविटी अलग होती है राइट। तो अभी यहाँ पे जो चेंज होने वाला है एफएम में, जो चेंज होने कहाँ पे होने वाला, चेंज वाला एफएम इज इक्वल टू 1/4 pi क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। बाकी सब ने हमें सेम लिख दिया, पर यहाँ पे पहले इक्वेशन में जो था ये किसका था, ये था एयर की परमिटिविटी। अब यहाँ पे जबकि हम लोग का मीडियम चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली इप्सिलॉन नॉट तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे हम लिखेंगे ओनली इप्सिलॉन राइट। इसे बोलते हैं इप्सिलॉन, इसको हम डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ ओदर मीडियम। ये क्या होता है, यह है परमिटिविटी ऑफ ओदर मीडियम, मतलब अगर हम लोग इसको अलग मीडियम में रखते हैं, सपोज अगर ये अलग मीडियम है तो इसमें तो हमारा एयर नहीं है ना राइट। सपोज देखो वही चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा क्यू वन है और ये हमारा क्यू टू है राइट, डिस्टेंस सेम है, पर यहाँ पे ये वाला एयर पे था, पर ये दोनों को हम लोग अलग किसी मीडियम में रखे हैं, तो इसकी परमिटिविटी अलग होती है ना, तो उसके लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं इप्सिलॉन से। ये है परमिटिविटी ऑफ द ओदर मीडियम, मतलब इन दो चार्ज पार्टिकल को हम जिस मीडियम में रखे हैं ये उसकी परमिटिविटी है राइट। इसको हम इक्वेशन टू बोलते हैं राइट। यहाँ पे था एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught जब हम मीडियम को कंसिडर किए थे, क्या एयर, जब हमारा मीडियम चेंज होके अलग कुछ था, एयर नहीं था, एयर को छोड़ के अलग कुछ था, वहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आता है, यहाँ के परमिटिविटी में चेंजेस आता है, तब हम लोग उस मीडियम का परमिटिविटी लेंगे कि वो मीडियम कितना एलो करता है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर पास होने के लिए राइट। नाउ कम्स टू हियर,
नाउ हम क्या करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे ई जीरो और ई आर के बीच, इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। सपोज तो पहले हम लिख देते हैं एफ ई का वैल्यू कितना होता है, एफ ई हमें पता है 1/4πε0 जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच मीडियम क्या था, ए आर, राइट, व्हेन मीडियम इच ए आर, राइट। अब जब मीडियम ए आर नहीं था तब क्या होगा, जब मीडियम हमारा क्या है, मीडियम इच नॉट ए आर, जब हमारा मीडियम ए आर नहीं होता है तब एफ एम कितना निकलेगा, हम लोग निकाले थे 1/4πε इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करूँगा किससे, इप्सिलॉन से। कैसे रिलेट करूँगा, हमें यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है किस किस का, इप्सिलॉन और इप्सिलॉन का, राइट, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन का निकालना है रिलेशनशिप, ठीक है। आ जाओ, अब एफ एम में देखो 1/4πε0 इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यही है। पर अगर इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इंटू करता हूँ और नीचे अगर इप्सिलॉन नॉट डिवाइड करता हूँ तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, आई थिंक बैलेंस है। हम मैथ्स पढ़ के आए हैं, मैथ में ऐसा हो सकता है, राइट। एफ एम में जो था बस मैंने इसके साथ इप्सिलॉन ऊपर इंटू किया तो नीचे भी डिवाइड किया। नाउ इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε, अब मैं इसको अंदर ले आता हूँ, इप्सिलॉन अंदर आ गया, अब इसको यहाँ ले आता हूँ ई बाय इप्सिलॉन नॉट आ गया इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं, नाउ एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε इप्सिलॉन नॉट, अब ये जो टर्म है ये रिड्यूस होके हम लिखेंगे, एक नया टर्म आएगा ई आर इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल टर्म है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन द मीडियम इज नॉट एयर, राइट। अब यहाँ पे सबका सब बच्चों का पहला क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को देखने को मिला ई आर, अब तक हम देख चुके हैं इप्सिलॉन नॉट जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स अगर ए आर फ्री स्पेस या फिर ए आर, ए आर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो अपने अंदर कितना एलो करने देगा, कितना पास करने देगा, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन नॉट से। अब थोड़ी देर पहले सर आपने कहा इसे कहते हैं इप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ उधर मीडियम, अगर हमारा दो चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस एयर में नहीं है और वो चार्जेस कहीं और हैं किसी और अदर मीडियम में हैं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितना पास होगा, दैट विल डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अब और एक चीज़ हम लोग नया देखने में मिल रहा है एप्सिलॉन आर, अब ये चीज़ क्या है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर का वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू ए आर, मतलब हम लोग यहाँ पे ई आर क्यों लिखे, मतलब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि विथ रेस्पेक्ट टू ए आर इस मीडियम में कितना परमिटिविटी है, राइट। रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं तुम्हें सिंपल से बताने जाऊँ तो उससे हम बता पाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी, आई थिंक ये डेफिनेशन तुम्हारे लिए थोड़ा यूजफुल होगा समझने के लिए आप सबके लिए, मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और एयर, राइट। नाउ अगर हमारा फ्री स्पेस में इक्वेशन है तो इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाला इक्वेशन होगा ना। अब देखो, ओके मैं तुम्हारे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है।
अगर हमारा ए आर में इक्वेशन तो ये आएगा, और अगर अदर देन ए आर तो इक्वेशन ये आएगा राइट। मैं तुम्हारे लिए फिर से इसे लिख देता हूँ ठीक है। नाउ अगर हम बोलेंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है क्या, एफ ऑफ ई वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इन एयर, व्हेन मीडियम क्या है, व्हेन मीडियम इच एयर, तो एफ ई कितना होगा, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r² आगे बंद करके। अब जब दूसरा निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हेन मीडियम इच नॉट एयर, तब हम लोग इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एम से राइट। और ये होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के साथ, यहाँ पे क्या इंटू होगा, इप्सिलॉन आर राइट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इंटू Q1 इंटू Q2/r². नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नाउ विल डिवाइड, ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया ठीक है। नाउ डिवाइडिंग, नाउ विल डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। अब हम इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं ठीक है। तो एफ एम बाय एफ ऑफ ई करते हैं राइट। एफ ऑफ एम का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2/r², और एफ ऑफ ई का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r². नाउ यहाँ पे थोड़ा डिवीजन हमें करना पड़ेगा राइट। यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। फाइनली आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द टर्म विल फाउंड दैट एफ ऑफ एम बाई एफ ऑफ इज इक्वल टू 1/ER राइट। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ ई बाई ई आर या फिर एप्सिलॉन आर, ये एक डेरिवेशन या फिर रिलेशनशिप निकला किसके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन मीडियम इज नॉट एयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन मीडियम इज एयर एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मतलब ये दर्शाता है, इसका कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे ये निकालते हैं बच्चों, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को जो है Q1 और Q2 है, अगर हम उनके बीच का जो मीडियम को अगर चेंज करते हैं, एयर से निकाल के अलग मीडियम में जाते हैं, तो जो फोर्स आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो फोर्स आएगा, ये कब का फोर्स आएगा, जब हम लोग का यहाँ पे मीडियम को चेंज किए, अदर देन मीडियम जो फोर्स आ रहा है दैट विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ ई आर। सिंपली आप यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एफ ऑफ ई का वैल्यू लेता हूँ कितना 100, ई आर का वैल्यू लेता हूँ कितना 5, तो अभी मुझे एफ एम कितना मिलेगा, एफ एम इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू क्या हुआ 20। जो एफ एम था वो क्या हो गया, कम गया ना, रिड्यूस किया ना। जब ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, अभी दोनों रेस्ट में हैं, अगर इन दोनों के बीच अगर एयर है, अगर वहाँ पे फोर्स कितना आ रहा है 100, अब वही चार्ज पार्टिकल अगर हम एयर से निकाल के अलग मीडियम में लेते हैं तो वहाँ पे फोर्स क्या आएगा 20 है, मतलब कम जा रहा है राइट। द फोर्स इज रिड्यूसिंग व्हेन वी आर चेंजिंग द मीडिया राइट बाय फैक्टर ऑफ ई आर। यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, इफ वी आर चेंजिंग द मीडिया, मतलब या फिर मीडियम बोल सकते हैं, मीडिया ऑफ द चार्जेस, अगर हम उसका मीडिया चेंज करते हैं तो द फोर्स क्या हो रहा है, द फोर्स इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ ई आर, जो कि हमें इस इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है। इस केस में अगर हम दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं Q1 और Q2, उन दोनों के डिस्टेंस कितना है आर, और अगर ये वाला कहाँ पे है, अगर ये वाला एयर में है, दोनों बीच मीडियम क्या एयर है, तो वो होता है एफ ई राइट। अब जब इन दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम एयर से निकाल के किसी अलग मीडियम में रख देंगे
तो हमारा फोर्स क्या आएगा, एफ एम आएगा, एंड दिस एफ एम विल बी रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ ई आर, राइट। सो सबके लिए कॉन्क्लूजन यहाँ पे यहाँ ये बनता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक मीडियम इज कम्प्लीटली फिल्ड बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ ई आर, राइट। तो बच्चों ये था हमारा केस वन, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत इसमें से समझ चुके हो, राइट। और दूसरा वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, हम चेक करेंगे ये सारे केसेस हमें काम में आने वाले हैं नीट के क्वेश्चन में, जे के क्वेश्चन में, राइट। तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, मैं इसका नोट्स भी आपको जल्दी मैसेज या फिर ग्रुप में भेजता हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।